ओम गं गणपताये नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वास्तु कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के आठवें भाव के बारे में। आठवां भाव, ये कुंडली का दूसरा दुष्ट भाव कहते हैं इसे। पहला भाव छठा भाव था जो दुष्ट भाव कहते हैं, और आठवां भाव ये कुंडली का दूसरा दुष्ट भाव है। नाम से ही आपको पता लग रहा है दुष्ट भाव, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई तकलीफ परेशानी के साथ चीज़ें जुड़ी होंगी। चलिए इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। देखिए, ये भाव जो है ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्यपूर्ण भाव है। आप इस भाव से कुछ भी अचानक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी में आपके कुछ भी अचानक होने वाला हो या होता है वो इस भाव से देखा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि फलाना फलाना आदमी एक घंटा पहले हमें मिला था और अचानक से उसकी खबर आती कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ अचानक हो गया, या आपको खबर मिली कि अचानक से कहीं आग लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से फलां फलां चीज़ हो गई। ये जो अचानक से चीज़ें ज़िंदगी के अंदर होती हैं और थोड़ी सी कष्टकारी चीज़ें होती हैं, ये सब अष्टम भाव की ही देन है। आप इसे अष्टम भाव के साथ ही रिलेट करते हैं, वहीं से आप देखते हैं। देखिए, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, ज़िंदगी में कुछ भी मेजर अप एंड डाउन आपके रहेगा, अचानक से चीज़ें होंगी, तो अष्टम भाव से आप उसे देखते हैं। आइए डिटेल में इसको देखते हैं, इसके कर्तव्य कौन कौन से, अष्टम भाव के इस भाव का कारक ग्रह कौन सा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम भाव को या इस भाव से हम आयु अथवा मृत्यु भाव भी देखते हैं। इन दोनों का हम यहीं से देखते हैं। कुंडली का आठवां भाव, इस भाव का जो कारक हैं वो शनिदेव महाराज हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि शनिदेव दुख पीड़ा के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ बैठते हैं दुख। बेसिकली आप शनिदेव को गलत वे में मत लीजिए कि शनिदेव सिर्फ आपको दुख देने के लिए ही हैं या कोई ऐसा ग्रह है जो खराब ग्रह है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शनिदेव जो हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल में और लेके चलता हूँ। हालांकि मैं चाह रहा था कि शनिदेव के ऊपर जब हम चर्चा करें तो इस बात को वहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, लेकिन चलिए थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे भी करना मैं फील करता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दुष्ट चीज़ों की बात कर रहे हैं या सभी चीज़ हम दुख के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि शायद शनिदेव बिल्कुल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल ही हमें दुख पीड़ा देने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, ज़िंदगी के जो हमारे किए हुए कर्म हैं, जो खराब कर्म हैं और जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, इनको शनिदेव साफ करने की कोशिश करते हैं, उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं और फिर से एक नई आपको चांस देते हैं ज़िंदगी में व्यक्ति को, कि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से वो चलाए। अगर आपने शनिदेव को एज अ ग्रह देखा होगा कहीं इंटरनेट के ऊपर या कहीं किसी पिक्चर के अंदर, तो आप देखेंगे उनके आसपास शनिदेव के एक गोल राउंड छल्ले होते हैं, उनके आसपास एक घेरा बना होता है, एक सर्कल सा आपको नज़र आएगा। और अगर आप ब्रह्मांड में भी इस चीज़ का, आप ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर ब्रह्मांड की कहीं सफाई अगर कोई ग्रह करता है तो वो शनिदेव के वो छल्ले ही करते हैं। जितना भी कूड़ा करकट है वो शनिदेव अपनी तरफ खींच लेते हैं और ब्रह्मांड की सफाई इससे होती रहती है। तो ये बेसिकली जो शनिदेव हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि शनिदेव को जज भी कहा गया। अब जज साहब का काम क्या है कि आपके अच्छे बुरे जो कर्म हैं उसके हिसाब से आपको फल देना है। तो इस जीवन में आप जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, दुनिया अपने अपने कर्म जानते हैं, तो उसी हिसाब से शनिदेव उसको सफाई करते हैं, उसी तरह से आपको उसकी पीड़ा देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव आपको उसके अच्छे परिणाम भी देते हैं, और अगर आप
किसी तरह के भी बुरे कर्म आप उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो शनिदेव एक किस्म उस चीज़ का हिसाब रखते हैं अपने पास, और जब समय आता है तो उस हिसाब के हिसाब से ही आपको उसके कर्म के आपको फल मिल जाते हैं, आपको मिलें, आपकी फैमिली को मिलें, आपके जीवन में मिलें। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में शनिदेव के न्याय से बच सकता है या उनसे किसी तरह से अभी कोई छूट पा सकता है, चाहे वो कितना भी पाठ पूजा कर ले, कितने भी तांत्रिक के पास चले जाए, किसी की भी कोर्ट में चले जाए। इंसाफ जो होगा इंडिपेंडेंटली शनिदेव करेंगे, ये उनके पास पूरी पूरी पावर है। यहाँ तक कि शिवजी भी उनके इस हिसाब किताब में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए हम और आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं, तो हम देखें, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप अब इनके साथ शनिदेव के साथ क्या जुड़ा है। जब हम बात करते हैं आयु और मृत्यु की यहाँ पे, तो आयु तो जीवन की कितनी हमारी आयु है ये भी डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है, और मृत्यु का भी डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। इसके अलावा रीबर्थ का भी, देखिए खाली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बात करेंगे खाली जीवन और कितनी उम्र लंबी होगी या कब मृत्यु होगी। जो हमारा पुनर्जन्म जो हमारा होता है, दोबारा रीबर्थ होता है, इनका डिपार्टमेंट भी शनिदेव के पास है। देखिए दीर्घायु की मैंने बात करी, अपमान, जिंदगी में कोई भी आप अपमान किसी तरह का भी आपके साथ जुड़ता है, ये शनिदेव के साथ ही आपको मिलता है और आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है। मृत्यु से आने वाले धन किसी को बीमा के रूप में या मृतक दूर रिश्तेदारों से मिले धन से, यानी कि किसी और का धन, ये अष्टम भाव से है। अब किसी और का धन, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार चले गए दुनिया से और वो आपके नाम जाते हुए कुछ संपत्ति छोड़ गए हैं, तो अष्टम भाव आपका देखा जाता है। या आपने कोई किसी का जीवन बीमा करवाया हुआ है या उससे धन जो आया है, या आपको किसी जीवन बीमा की तरफ से कोई धन की प्राप्ति या प्रारब्ध हुआ है उससे मिला है, तो भी ये अष्टम भाव के ही आता है। शत्रु पत्नी या पति से उत्पन्न, अब इन दोनों की तरफ से जो शत्रु जीवन में इनकी तरफ से, अगर चाहे वो पति हों चाहे पत्नी की तरफ से हों, और शत्रुता जो हो जाती है वो यहाँ से देखी जाती है। शत्रुओं का गढ़, ये भी अष्टम भाव के। अब देखिए किस तरह के कारक चीज़ें हैं जो शनिदेव के पास कंट्रोल है, जिनका मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये इसीलिए है कि शनिदेव ये जब कष्ट देने का कारण ही यही रहता है व्यक्ति को, कि उसे वापस डिसिप्लिन में लेके आया जा सके। जब हम अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हम जानबूझकर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इन डिटेल कर दूँ, आपने अक्सर यूट्यूब्स पे और फेसबुक पे या ये ऑनलाइन चैनल्स पे देखा होगा, लोग दूसरों को बहुत खरी खोटी या बदी भरी चीज़ें वहाँ लिखते हैं, बोलते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि शनिदेव जो है बेसिकली कर्म कारक हैं, कर्म प्रधान हैं, इनके पास आपके कर्मों का, हमारे कर्मों का सब वेरबा इनके पास रहता है। तो जो भी हम चीज़ें वहाँ कर रहे हैं वो भी हमारे कर्मों पे लिखी जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी आप कभी भी किसी को नेगेटिव कोशिश करिए, क्योंकि इंसान को सोच उसकी उम्र के साथ बढ़ती है, नॉलेज उसको उम्र के साथ मिलती है, कि किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को कम मिलती है, लेट मिलती है। अगर आपको किसी माध्यम से ये जानकारी मिलती है, चाहे हमारे चैनल से या किसी और के जरिए, तो कोशिश करिए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। कोशिश करिए कि अपने कर्म खराब ना कीजिए, ना इस जन्म के लिए ना आने वाले जन्म के लिए, क्योंकि आप ही अल्टीमेटली सफर रहेंगे, आप ही इसी चीज़ को भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतने वाला। अगर आप बचने की कोशिश करें, चाहे जितने मर्जी आप उपाय कर लीजिए, कहीं मर्जी चले जाइए, होगा वही जो आपके कर्मों में लिखा होगा। जिस तरह की मैंने कहा, जैसे आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो वापस बात करते हैं हम अष्टम भाव से, मैटर कहीं और चला गया था, पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे बोल देना चाहिए, अपनी तरफ से क्लैरिटी कर देनी चाहिए। सज़ा का डर, यहाँ पे सरकार से सज़ा का डर। देखिए जज की जब मैंने बात करी, तो डर तो उसी लगेगा जो इंसान ने किसी ने कुछ गलती की होगी, वही डरेगा, सच्चा इंसान तो नहीं डरता है। धन की हानि, कर्ज, दुष्ट व्यक्ति का आगमन, पाप, एक जीवन प्राणी की हत्या, इसके अलावा एक अंक की हानि, यानी अब एक अंक की हानि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्या है यहाँ पे। अब आप शनि देव की अगर आप गाथा पढ़ेंगे या
उनकी जीविका को देखेंगे तो एक उनका लिम्ब खराब है, यानी एक अंग उनका नहीं है जो एक तरफ से पैर की तरफ से उनको चलने में परेशानी रहती है, इसलिए यहाँ एक अंग का हानि का जिक्र किया गया है। मृत्युदंड, भयानक दुख, कष्टों की श्रृंखला, इसके अलावा मानसिक पीड़ा, बड़ी चोट, छटाभाव छोटी चोट का कारक था जैसे कि मैंने बोला, और अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है किसी का, मेजर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी, या मेजर सर्जरी की हम बात करें, किसी की लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है, तो वो अष्टम भाव को ही देखते हैं, शनिदेव को देखते हैं कि ये कैसा है अष्टम भाव, शनिदेव उस समय क्या कुंडली के अंदर अपना गोचर में क्या कर रहे हैं, या आपकी कुंडली स्थान में कैसे हैं, आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। इसके अलावा व्यक्ति के अब स्कैंडल्स, अगर आपने देखा होगा कि सुनते होंगे टीवी और पे के कहीं फलां फलां जगह के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है, बाबा का हो गया स्कैंडल और ऐसा वैसा स्कैंडल जहाँ पे आ गया, तो वो स्कैंडल जो है वो अष्टम भाव से देखा जाता है, जिंदगी में अचानक से होने वाला स्कैंडल जिसको मैंने बात करी। ये आपके ससुराल का भी भाव है, शादी के बाद आपके ससुराल वालों के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे, कैसा उनके साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा, ये आपको अष्टम भाव बताता है। रीबर्थ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। गुप्त विद्याएं ये अष्टम भाव से देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी होगी, वास्तु हो गया, ये आप सब इससे देखिए, या गुप्त तरह का तंत्र, मैं मंत्रों की यहाँ बात नहीं कर रहा, मंत्र विद्या जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है, लेकिन गुप्त जो तरह के तांत्रिक किस्म की जो विद्याएं हैं या गुप्त विद्याएं जिसको हम कहते हैं, वो सब आप अष्टम भाव से देखते हैं, विच इंक्लूड्स एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, ये सब कुछ आप वहाँ, या रहस्य में कोई भी चीज़ हो ये सब है। जासूसी आप ले लीजिए, जैसे जासूस रहते हैं जिनकी जासूसी की आदत रहती है, ये भी अष्टम भाव, जिसका अष्टम भाव अच्छा है तो जासूसी के अंदर वो अपना करियर बना सकते हैं। पैतृक संपत्ति, विरासत, पेंशन, चोरी, डकैती, चिंता, रुकावट, शत्रु और विरासत में मिला धन, ये सभी कुछ आप अष्टम भाव से देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी अष्टम भाव रिलेटेड। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम समय के अंदर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके समक्ष रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लाइक करते हैं हमें अच्छा लगता है। आने वाली श्रृंखलाओं में जितने लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनका नाम और उनकी फोटोग्राफ भी हम सामने लेके आएं, ताकि आपको भी पता लगे कि लोग कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को आगे समझना चाह रहे हैं और उसको पाना चाह रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।